नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बेलतरोडी में युवक ने लगाई फांसी, गोरेवाड़ा में शनिवार रविवार पर्यटन बंद, महिलाओं से 6,72,000 की ठगी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। बेलतरोडी में युवक ने लगाई फांसी। बेलतरोडी के बेसा रोड सीमेंट पॉल कंपनी में रहने वाले युवक ने मंगलवार को फांसी लगा ली। मृतक खदेरू राम साहू है। कप्तान सुबह 9:30 बजे अपने घर में छत की रॉड से बंधी साड़ी से लटका मिला। फरियादी प्रमोद साहू की सूचना पर बेलतरोडी पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही दूसरी ओर गोरेवाड़ा में शनिवार रविवार पर्यटन बंद। कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए गोरेवाड़ा जंगल व इंडियन सफारी में शनिवार रविवार को पर्यटन बंद रखा जाएगा। गोरेवाड़ा के विभागीय व्यवस्थापक प्रमोद पंचभाई के अनुसार जिलाधिकारी के नए दिशा निर्देशों तक उपयुक्त निर्णय लिया गया है। हालांकि पेंच वैक प्रकल्प और महाराज बाग चिड़ियाघर में शनिवार रविवार को पर्यटन बंद रखने संबंधी निर्णय नहीं हो सका है। तो वही तीसरी ओर महिलाओं से 6,72,000 की ठगी। नागपुर MIDC इलाके की एक महिला ने सोसाइटी फंड के नाम पर 7 महिलाओं से 6,72,000 रुपए की ठगी की है। फरियादी महिला दत्तनगर वडधामना निवासी कालिंदी तिवारी और अन्य महिलाओं ने आरोपी महिला के पास 10 अगस्त 2016 से 10 अगस्त 2018 के दरमियान 6,72,000 रुपए जमा किए थे, लेकिन 2 साल बाद भी फंड की रकम पर ब्याज नहीं मिला। महिलाओं ने MIDC थाने में लिखित शिकायत की थी। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।